गोलियां मरवाते गोलियां मरवाते गोलियां मरवाते अपने कुछ लोगों से कुछ कुछ बुलवाता, उसको मालूम है आजकल तो वो शुरू हो गया है ना कि सब लोग अपना मोबाइल पर इधर से उधर कुछ करके बात करना, हम पर बोलेगा तभी ना पब्लिसिटी मिलेगा उस लोग के लिए, अपना आगे बढ़ाने के लिए अपना परिवार ही सब कुछ। अब तो अंतिम ही है, जनता का मूड कैसा लग रहा है? जनता का मूड तो ठीक ही है, इसमें क्या शक, और जनता का मूड क्या है ये हमारे बोलने की अपेक्षा आप लोग अनुभव करके बता। कह रहे हैं कि हम यहाँ पटना आए ही हैं नीतीश जी का विसर्जन करने के लिए। छोड़िए ना, कर दे, गोलियां मरवा दे सबसे अच्छा यही होगा, रोजगार का मुद्दा, बाकी कुछ नहीं कर सकते। अगर चाहे तो गोली मरवा सकते और कुछ नहीं कर सकते, समझ गए ना? रोजगार का मुद्दा सर, महंगाई का मुद्दा कर रहे हैं, क्या हुआ? क्या रोजगार के लिए वहाँ पे कुछ प्रदर्शन हुआ? नहीं नहीं, कुछ मतलब नहीं है, आप देख नहीं रहे कि कितना ज्यादा हम लोग रोजगार के लिए काम कर रहे हैं, और सबको नहीं पता है अभी एक डेढ़ साल से जो कोरोना का दौर चल रहा है, और इसके बाद हम लोगों ने एक एक चीज के लिए रोजगार के लिए जो प्रबंध किया है, और हर क्षेत्र में इसके लिए जो भी काम हो रहा है, चाहे शिक्षक के नियोजन का हो, सरकारी सेवाओं के विभिन्न विभाग में सेवाओं का निरीक्षण उसके लिए हो, इम्प्लॉयमेंट हो, उस सब के लिए काम शुरू है। अब किसी को कुछ पता नहीं है कब क्या दौर चल रहा है, क्या स्थिति है, ये सब की कोई जानकारी नहीं है, तो उसको क्या कहना है? इसलिए इन सब बातों का कोई मतलब नहीं। और जान लीजिए कि जो लोग ये सब डिमांड रखते हैं, जिनको काम करने का बहुत मौका मिला, 15-15 साल मौका मिला, कई लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिए, इसलिए इन लोगों की बात का कोई मतलब नहीं है, और हम लोग तो कर ही रहे हैं, और आप जानते हैं सिर्फ एम्प्लॉयमेंट की बात है, लोगों को और भी जो रोजगार के अवसर मिले, तो आप जानते हैं ना, हम लोगों ने तो पिछली बार कर दिया था, अनुसूचित जाति जनजाति को जो अगर करेंगे तो 5 लाख रुपये का अनुदान, 5 लाख रुपये का ऋण बिना कोई टैक्स के, ये करवाया। बाद में हम लोगों ने उसी में अति पिछड़े वर्ग को शामिल किया, और अब इस बार क्या किया, सारी महिलाओं को, उनके अलावे भी सब तरह की महिलाओं को भी पूरा का पूरा 5 लाख रुपया का अनुदान, और 5 लाख रुपया बिना टैक्स के उनको ऋण मिलेगा। पुलिस का देख रहे हैं ना, इन लोगों को कुछ पता है, बात करते हैं अपने कुछ लोगों से कुछ कुछ बुलवाता, उसको मालूम है, आप देख रहे हैं कि अब पुलिस में भी महिलाएं कितनी है, ये कैसे आ गई महिलाएं? अच्छा, इन लोगों के समय में तो कुछ था नहीं, और अब बिहार में पुलिस बल में जितनी महिलाएं हैं, हम लोगों ने उसका आरक्षण दिया ही, और उसका जो जितना रिक्रूटमेंट हुआ है, तो आप जरा देख लीजिए, तो सब काम चल रहा है, और कोरोना का ये दौर धीरे धीरे खत्म हो जाए, हम लोग तो उसी में लगे हुए हैं, और तेजी से सारा काम होगा।